हेलो मेरे सिक्स क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हमने स्टार्ट कर दिया है आपका बैच जिसका नेम है स्टार बैच। तो इस स्टार बैच को आपने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बहुत बहुत ज्यादा प्यार देना है और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना है कि आपको कैसे लगे ये वीडियोस जो आपको मैं अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो ये स्टार बैच है हमारा, अब इस बैच में आपके जितने भी सिक्स क्लास का जितना भी आपका साइंस का जो सिलेबस रहेगा वो आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आपने बेचिंता होके हमारे साथ पढ़ना है, आपको बहुत ज्यादा मजा भी आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखी हुई हैं, तो तब हमारा जो सेटअप था वो अच्छे तरीके से नहीं था, तो अभी हमने काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। फिलहाल आज भी हम फोन से ही वीडियो बना रहे हैं। तो अभी का जो टाइम हुआ वो सुबह के 6:30 हो रहे हैं, तो तब आपकी वीडियोस बन रही हैं। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इन वीडियोस को देख करके अपनी स्टडी को प्रिपेयर करना है, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो पढ़ने से पहले आपको सभी को पता है कि अपनी एनर्जी बूस्ट करनी होती है। तो एनर्जी कैसे बूस्ट करोगे, थोड़ा सा तो डांस करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा डांस करोगे, यो कर लोगे, तो आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, जिसके कारण आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और आपको मजा भी आएगा। क्योंकि स्टडी में साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मजा डालना होगा, क्योंकि ये एक अलग तरह का सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको थोड़ा सा तो आपको इंटरेस्ट डालना होता है खुद से, और बाकी इंटरेस्ट आपको तब आता है जब आपको इनके जो साइंस के जो कुछ फैक्ट्स होते हैं वो आपको पता लगने लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको मतलब साइंस को बहुत ज्यादा प्यार देना है, और आपने पेन कॉपी को साथ में रखना है ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप नोट कर लो, क्योंकि आप सुन करके काफी सारी चीजों को कई बार दिमाग से स्किप कर देते हो। तब तो आप सुनते रहते हो, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपको काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अभी करवाने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आपका जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर आज का जो इंट्रोडक्टरी रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं पहले उसकी इंट्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि विदाउट इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर का जो थीम है, चैप्टर की जो एनर्जी है, चैप्टर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ नहीं आने वाला। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से देखनी होगी। तो इस चैप्टर में क्या क्या आता है वो आपको अच्छे तरीके से देखना होगा। तो चैप्टर का नेम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नेम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर सराउंडिंग। आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे आपने बहुत सारे जितने भी आप देख सकते हो कि आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको एनिमल्स मिलते हैं। आपको कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, एलिफेंट, आपको गोता, आपको पता नहीं क्या क्या आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अगर आप चिड़ियाघर चले जाओ, अगर आप छतबीर चले जाओ जो आपके चंडीगढ़ जीरकपुर में है, या नजदीक और कहीं आपके एरिए के नजदीक आपको कोई यू पार्क मिले, अगर आप वहां पे चले जाओ तो आपको बहुत सारी वैरायटीज प्लांट्स की और एनिमल्स की देखने को मिलेगी। तो गर्मी बहुत आ रही है, तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि आपके आसपास जो आप देख रहे हो कि छोटे छोटे जो आपकी एंट्स होती हैं जिनको आप चींटियां बोलते हो, चींटियों से लेकर के आपकी मक्खियों तक का जो वैरायटीज आपको देखने को मिलती हैं, अगर आप देखो को जो स्पाइडर्स होते हैं जिनको आप मकड़ी बोलते हो, मकड़ियां भी आपकी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अगर आप जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप चिड़ियाघर चले जाओ तो वहां पे आपको बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे आपको एक तरह का जैसे नीम का पेड़ है तो नीम का पेड़ नहीं मिलेगा आपको, घर से बाहर निकलो तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको प्लांट्स मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे, आपको फ्रूट्स वाले ट्रीज मिलेंगे, आपको आपको जो फ्लावर्स वाले हैं अच्छे अच्छे रंगदार ट्रीज होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप आपके ही जू पार्क में चले जाओगे तो आपको डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, आपको डिफरेंट टाइप के मंकी की वैरायटीज मिलेंगी, डिफरेंट टाइप आपको जो हमारे मगरमच्छ होते हैं, ठीक है जी, वो क्रोकोडाइल्स, उनकी आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको वैरायटीज देखने को मिलेंगी, स्नेक की डिफरेंट वैरायटीज देखने को मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये आपका चैप्टर है ये आपको यही बता रहा है कि आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरमेंट के सराउंडिंग में, आपकी अर्थ के सराउंड में आपको बहुत सारे आपको एनिमल्स, आपको बहुत सारे आपको ट्रीज, प्लांट्स, श्रब, जो भी आपकी वैरायटीज होती है वो आपको देखने को मिलेगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कई बच्चों को पता नहीं होता कि क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हीं को बोलते हैं जो सांस लेते हैं, जो डेवलप होते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कई बच्चे बोल देते हैं कि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, तो प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि ये भी सांस लेते हैं, ये भी ग्रोथ करते हैं, ये भी डेवलप करते हैं,
तो इसी तरीके से तो ये वाला जो चैप्टर था यही था हमारा ये चैप्टर। तो अभी आगे आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। तो आपने देखा होगा कि मैंने अभी आपको जानवरों की बात की है, मैंने आपको प्लांट्स की ट्रीज की बात की है, क्या जानवर यहीं तक खत्म हो गए? तो नहीं, आपने देखा होगा कि समुद्रों में भी कितनी सारी लाइफ की जो है वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी, तो वो भी आपने स्टडी करना है। जैसे आपको मैं अगर बात करूं फिश, इस तरह की फिश तो नहीं होती, स्टार फिश होता है, आपको सी होर्स मिलेगा, आपको व्हेल मिलेगी, शार्क मिलेगी, आपको मिडिल लेवल पे रहने वाली फिश मिलेगी, आपको टॉप लेवल पे रहने वाली फिश मिलेगी, आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा समुद्र लेवल पे भी। ठीक है, आप सी लेवल पे चले जाओ, बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, कुछ टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो आपने कॉपी पे नोट कर लेनी है। और गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, कॉपी पेन लेकर के पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारा कुछ समझ में आने वाला है। तो आपने देखा होगा कि एक एक वर्ड लिख रहा हूँ सलाइन, जो आपकी एनसीआर की बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो सलाइन वर्ड का क्या नेम है? जो एनिमल का मतलब जो ऑर्गेनिज्म की बात करूं, जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, लेकिन पानी कौन सा होना चाहिए? सॉल्टी पानी होना चाहिए, नमक वाला पानी आपको कहाँ पे मिलेगा? समुद्रों में मिलेगा, सी में मिलेगा। समुद्रों में आपका सॉल्ट वाला पानी होता है, नमक वाला पानी होता है, वो आपका क्या है कि सलाइन वाटर होता है, उसको सलाइन वाटर बोलते हैं। जो सलाइन वाटर में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको मैरीन एनिमल्स बोलते हैं। का क्या मतलब? वही हो गया कि जो सॉल्टी वाटर में रहते हैं उनको मैरीन एनिमल्स बोलते हैं। और सलाइन वाटर का मतलब हो गया जो सॉल्टी पानी होता है, जो नमक लूणिया पानी होता है। लूणिया पानी आपको कहाँ पे मिलेगा? सिर्फ समुद्रों में ही मिलेगा। क्यों बच्चा आ रहा है मजा? अगर मजा आ रहा है बेटा तो जल्दी से अगर आप बीच में से अक रहे हो तो भंगड़ा डाल लिया करो, थोड़ा सा डांस कर लिया करो, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है जी, तो ये था आपका सलाइन वाटर की कहानी। सलाइन वाटर में रहने वाले जितने भी जानवर उनको क्या बोलेंगे हम? मैरीन एनिमल्स बोलते हैं। तो दूसरी टर्म आपको देखने को मिलेगी, आपको मिलती है एडेप्टेशन, आपको बोलते हैं एडेप्टेशन की तरह आपके पास आएगी एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन क्या होता है? देखो ये आप देख सकते हो एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन क्या होता है? देखो अडेप्ट होना किसी के अकॉर्डिंग हमें मतलब सर्वाइव करना। अगर मैं बात करूं कि कोई एनिमल अब गर्म एरिए में रहता है, बहुत आपने सीजन भी कितने ज्यादा देखे होंगे, वेदर्स कितने डिफरेंट टाइप के देखे होंगे, मॉनसून हो गया, पतझड़ हो गया, हॉट हो गया, और आपका ठंडी वाला मौसम हो गया। ठीक है, सभी मौसम में जो एनिमल्स होते हैं अपने आप को अडेप्ट करके रखते हैं। मान लो कोई गर्म एरिए में एनिमल रहता है, ठीक है, गर्म में ही रहना चाहता है वो, लेकिन हमने उठा करके उसको ठंडे वाले एरिया में रख दिया, अब क्या होगा? चलो मान लो दस एनिमल ऐसे थे जो गर्मी में रहते थे, गर्मी वाले एरिए में ही रह सकते हैं, तो 10 एनिमल को उठाया गर्म एरिए वालों को, वो ठंडे वाले एरिए में छोड़ दिया, तो क्या होगा? तो अब ये होगा कि कुछ एनिमल तो उनमें से 10 में से मान लो 5 तो मर गए, अब 5 रह गए, अब 5 ने क्या किया? अपने आप को अडेप्ट किया कि ठंडे एरिए के अकॉर्डिंग हम जिए, उनको जीना था, उनके अंदर मन में इच्छा थी कि हम जिएंगे, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस वेदर के अकॉर्डिंग। तो ये होती है अडेप्टेशन, आप भी अडेप्ट करते हो अपने आप को। देखो गर्मी आ गई तो आप गर्मियों वाले कपड़े पहन लेते हो, आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर आपका जो सॉरी बॉडी का टेम्परेचर बोले जो आपका बॉडी का जो जो सिस्टम है, जो आपका होमोस्टेसिस है, वो आपका वैसे आपका सेट हो गया। जब आपको ठंडी वाला एरिया आ गया, जब आपका ठंडे वाला मौसम आ जाता है, तब आप गर्म गर्म कपड़े पहनते हो अपने बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखने के लिए। तो यही होता है, तो इसको अडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको ग्लेशियर पे छोड़ दिया तो ग्लेशियर पे भी आप रह सकते हो, ठीक है, आपको वैसे आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो वही इन्हीं को तो आपको अडेप्टेशन कहा जाता है, और कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अडेप्टेशन ये था। तो अभी तो आपको मैं बेटा आपको देखो आज का जो वीडियो रहेगा वो मैं आपको बार बार फिर बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपका इंट्रोडक्शन भी रहता है, और छोटा थोड़ा सा जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ जाए। क्योंकि जरूरी होता है कि अगर जब आप चैप्टर के बारे में समझते हो, ठीक है, तब आपको 30-40% आपको चैप्टर कवर हो जाता है, कंप्लीट और क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, और आपको इंटरेस्ट आता है। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे, कहाँ पे रहते हैं कहाँ पे नहीं रहते। तो नेक्स्ट जो है आपका हैबिटेट, जो
नेक्स्ट जो आपकी टर्म आएगी वो हैबिटेट आ गई, हैबिटेट, TATET, हैबिटेट। अब हैबिटेट का क्या मतलब है? एक तो होता हैबिटेट, तो ये हैबिट और हैबिटेट दोनों बड़े डिफरेंट है। हैबिट और हैबिटेट, हैबिट होता है हैबिट्स जो आपकी आदतें हैं, आपकी आदतें क्या है, क्या खाते हो, क्या सुनते हो, क्या गाते हो, ये हो गया आपकी क्या क्या फ्रेंड सर्कल है, ये आपका हैबिट्स हो गया। ठीक है, हैबिट्स मतलब आप बुक्स पढ़ना पढ़ना अच्छे लगते हैं या नहीं लगती, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छे नहीं लगता, क्या करे सर ने क्या कहा, किसी को पढ़ने नहीं अच्छा लगता, तो ये हैबिट्स हो जाती है आदतें, जो आपकी आदतें हैं। ठीक है, अच्छी या बुरी वो आदतें। हैबिटेट अब क्या है, जिस एरिया में जो एनिमल या जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है, रह रहा है अच्छे तरीके से, अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से, अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको कोई जबरदस्ती नहीं है, अब इस चीज को क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे। अब उसका वो हैबिटेट हो गया, जैसे आप अभी अपने घर पे रहते हो, ये आपका हैबिटेट हो गया। कैसा हैबिटेट है आपका, यहाँ पे ठंड भी आती है, यहाँ पे गर्मी भी आती है, यहाँ पे पतझड़ भी आती है, यहाँ पे रेनी सीजन भी आता है, ठीक है, और यहाँ ये जो आपका एरिया हो गया, ये आपको इस एरिया में आप अनुकूल हो, आप रह सकते हो, तो ये आपका हैबिटेट हो गया। जिस जगह पे आप रहते हो वो उसका हैबिटेट होता है, ठीक है जी। तो अगर इस हैबिटेट को हिलाया जाए तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर मान लो इस हैबिटेट को हिला दिया जाए तो वही बात होगी, अडेप्टेशन हो जाती है फिर, तो फिर वो अडेप्ट करेगा एनिमल अपने आप को उस दूसरे हैबिटेट के अकॉर्डिंग रहने में, ठीक है जी। तो ये था आपका कुछ टर्म्स, और आगे देखते हैं हम टेरेस्ट्रियल, आपको बहुत सारी और टर्म्स मिलेंगी टेरेस्ट्रियल। तो ये रहा आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो ये मैं इसको रिलीज कर देता हूं यहां से, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये रहा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो स्पेलिंग्स देख लो, अगर गलत है तो बुक में देख लेना, बुक में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी बुक आपने फॉलो करनी है। मैं अब यहाँ पे किसी चीज का कोई मशहूरी या ऐड नहीं कर रहा, तो आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक बड़ी अच्छी होती है, तो वहां पे आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल देखने को मिलेगा। टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या होता है, बुक में तो बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल का होता है मतलब जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है, लैंड पे रहने वाले, लैंड पे, जैसे हम रहते हैं लैंड पे, जैसे घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब लैंड पे रहते हैं, तो जो लैंड पे रहते हैं, जो अर्थ पे रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। देखो मैंने अभी एग्जांपल्स कितनी सारी बोली हैं, तो एग्जांपल्स भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, क्योंकि जो आप देखते हो कि जो लैंड पे रहते हैं, कौन कौन से लैंड पे रहते हैं, आपने घोड़ा भी देखा है, आपने बोता भी देखा है, आपने हाथी भी देखा है, आपने अपने आप को भी देखा है, आपने बहुत सारे और बांदर बुंदरों को भी देखा होगा, नहीं बांदर नहीं रहते, बांदरों को नहीं देखना बीच में, ठीक है, तो आपने बिल्ली को भी देखा होगा, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एनिमल जो अर्थ पे ही रहते हैं, अर्थ पे भी अपना गुजारा करते हैं, अपनी ज्यादातर जो लाइफ अपनी अर्थ पे गुजारते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से बोलना है, जो ज्यादातर अपनी लाइफ अर्थ पे, लैंड पे गुजारते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। तो आगे जो आगे आपका एक्वाटिक एनिमल, तो ये मैं इरेज कर दूं पहले, तो क्योंकि फिर दिक्कत आ जाती है। तो आपका आगे आ गया एक्वाटिक एनिमल। अब देखो एक्वाटिक एनिमल्स की बात हो गई, तो आपको ये वाला भी आपको बता देना चाहता हूं कि एक्वाटिक, कई बच्चे पजल हो जाते हैं कि एक्वाटिक का क्या मतलब हो गया। आपने सुना होगा H2O, आपने सुना होगा वाटर, तो उसी तरीके से एक्वा का मतलब ही यही होता है, वाटर, पानी, ठीक है जी। तो जो सिर्फ एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले जानवर, चाहे वो पानी लूनी है, चाहे वो पानी फ्रेश है, चाहे वो पानी जैसा भी है, गंदला पानी है, बस बात अगर पानी किया जाए, अगर वो पानी में रह रहा है एनिमल, तो उसको हम कौन सा एनिमल बोलेंगे, एक्वाटिक एनिमल बोलेंगे, ठीक है जी। तो आपने बहुत एनर्जी से पढ़ना है बेटा, देखो मेरी बहुत एनर्जी लग रही है, तो आपको भी बहुत एनर्जी से पढ़ना है, दबा करके पढ़ना है, ताकि पता चले कि आप स्टीफन अकेडमी से पढ़ रहे हो। तो एक्वाटिक एनिमल कौन से एनिमल होंगे, जो सिर्फ पानी में रहते हैं, पानी कोई भी हो, लूनिया पानी हो, अगर लूनिया पानी हो तो वो तो एक अलग बात होगी, अगर आपको डिफरेंटली पूछा जाए कि लूनिया पानी में, सॉल्टी वाटर में रहने वाले एनिमल्स जो मैरीन एनिमल्स कहलाते हैं, जो सलाइन वाटर में रहने वाले, सलाइन का मतलब वही होता है, सॉल्टी होता है, ठीक है, तो उनको हम मैरीन एनिमल्स बोलते हैं। अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश एनिमल्स हो गए, ठीक है, फ्रेश वाटर एनिमल्स हो गए। तो अगर पानी की बात करें, सिर्फ पानी की, जो पानी में रहते हैं उनको एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। तो यही था आपका, और एक और होता है बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, अगर मिल गया तो पढ़ लेना, तो ये था आपका अर्बोरियल, अर्बोरियल, अर्बोरियल एनिमल्स। अर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं,
जो अपना ज्यादातर लाइफ स्पैन, जो ज्यादातर अपनी जिंदगी पेड़ों पर गुजारते हैं, जो अर्बोरियल, आप स्पेलिंग देख लो, ARBOREAL, अर्बोरियल एनिमल, जो अपना ज्यादातर अपना लाइफ स्पैन, जो ज्यादातर अपनी जिंदगी पेड़ों पर गुजारते हैं, उन एनिमल्स को क्या बोलेंगे? अर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। जैसे आपकी एग्जांपल बताऊं, आपकी एग्जांपल हो गई ये बड़े आपके बंदर, मंकी हो गए, मंकी बड़ी जितनी भी टाइप्स हैं, आपकी गिलहरीज हो गई, गिलहरी इसको, ठीक है जी, तो चिंपैंजी हो गई, ये सारे के सारे जितने भी हैं वो अर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, जिस अपनी ज्यादातर अपनी लाइफ ये पेड़ों पर गुजारते हैं, ठीक है जी। तो आप इन वर्ड्स को लिख लो ध्यान से। तो अगला नेक्स्ट बड़ा करवा रहा हूं आपको, गर्मी तो बहुत है भाई, तो लिखवाते हैं आपको नेक्स्ट वाला। एक होता है आपका बायोटिक और एक आपका होता है एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो ए इसके साथ में ही है तो अलग से लिख दिया मैंने, बायोटिक एंड ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, इनको कॉम्पोनेंट्स भी बोलते हैं। तो आपके अर्थ के ऊपर बायोटिक एंड ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स का क्लासिफाई किया जाता है कैसे? बायोटिक्स कौन से होते हैं? बायोटिक वही, बायो का मतलब लिविंग आ जाता है बेटा। देखो एक बर्ड का आपने ध्यान से सुन लेना, ये वाला देखो बर्ड बायो, आपने आपके टीचर ने कई बार बोला होगा आपको क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको समझा देता हूं। आपका टीचर कई बार बोलता है कि आपकी बुक में बायोलॉजी है, ठीक है जी, आपकी बुक में केमिस्ट्री है, आपकी बुक में फिजिक्स भी है, तो जो टीचर होते हैं वो ऐसे बोल देते हैं आपके, ठीक है, तीन चार चीजें बोल देते हैं, केमिस्ट्री पढ़ोगे आप, बायोलॉजी पढ़ोगे आप, फिजिक्स पढ़ोगे, तो बच्चे सोचने लगते हैं अरे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए इंटरेस्ट टूट जाता है बच्चों का, इसीलिए इंटरेस्ट वो टूट जाता है और फिर बच्चे साइंस से नफरत करते हैं, भागते हैं। साइंस इतनी अच्छी चीज है कि आप अगर आपको अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा इजी वाला जो सब्जेक्ट होता है वो साइंस ही होता है, लेकिन बस ये बच्चे जो होते हैं वो मान के चलते हैं कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो अच्छा नहीं होता। तो चलो बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी का देखो वही आ गया, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपको देखने को मिलेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो आपने देखा ही है, जो सांस लेते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, जो डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, जो खाना खाते हैं, वो सारे के सारे क्या हो गए? लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। तो बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। चलो ये बात की बात है, अभी आप छोटे हो, बाद में आपको करवा दूंगा क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। तो अब देखो यहां पे क्या आ गया, बायोटेक आ गया, बायोटेक, बायो का मतलब लिविंग। अब बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ लिविंग लिविंग चीजों का ही जिक्र किया जाए, लिविंग लिविंग चीजों का ही जिक्र किया जाए वो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हम बात करें जो लिविंग लिविंग कौन से हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, आपके ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारी की सारी जितनी वेराइटी है सारी क्या है? बायोटिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं। और ए बायोटिक कॉम्पोनेंट अगर आगे इसके ए लगा दूंगा तो ए बायोटिक कॉम्पोनेंट बन गया। ए बायोटिक का मतलब जो नॉन लिविंग चीजों की बात की जाए, सिर्फ नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग जो अब जिंदा नहीं है, जो 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 अब सांस नहीं ले सकते, जो अब डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते, उनकी बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग जो जिंदा नहीं है हमारी तरह, ठीक है, हमारी तरह लिविंग नहीं है। तो ए बायोटिक का ए लग गया तो नॉन लिविंग की बात हो रही है, जैसे एयर हो गई, मिट्टी हो गई, आग हो गई, ये सारा जितना भी हो गया आपका, पानी हो गया, ये विंड हो गई, ये सारे के सारे आपके रॉक्स हो गए, ठीक है, जितने भी आपको चीजें मिलेंगे, वुड मिलेगी, ठीक है, वुड जो वुड की बात करो, सिर्फ ओनली वुड की, जब वो पेड़ है तब की बात नहीं कर, जब वुड की बात करो तब वो नॉन लिविंग हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये नॉन लिविंग है। अगर ये नॉन लिविंग ना हो तो लिविंग कभी नहीं होंगे, मतलब बायोटिक और ए बायोटिक आपस में ये क्या करते हैं? समझौता बना के रखते हैं। मतलब कि देखो मान लो अगर बायोटिक कॉम्पोनेंट हो अर्थ पे तो उनको क्या चाहिए? सांस लेने के लिए हवा चाहिए, हवा क्या है? नॉन लिविंग, मतलब ए बायोटिक कॉम्पोनेंट। अब लिविंग को खाने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, भोजन चाहिए, तो वो क्या है? अब नॉन लिविंग है, तो ए बायोटिक कॉम्पोनेंट है, ठीक है। जो लिविंग जो बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं उनको सारी की सारी ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। पानी क्या है? नॉन लिविंग है, ए बायोटिक कॉम्पोनेंट है। हवा क्या है? ए बायोटिक कॉम्पोनेंट है। तो ये सारी आग क्या है? ए बायोटिक कॉम्पोनेंट है। हमें ये सारी की सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए बायोटिक कभी भी ए बायोटिक कॉम्पोनेंट के बिना
नहीं रह सकते। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके आज ही बस इतना ही करवाऊंगा मैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियोस फिर लंबे हो जाते हैं, फिर आप देखते नहीं हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट आपको टर्म्स करवाई है मैंने, ये जो लिखवाई हुई है। अगर आपने अगर नहीं देखी है तो दोबारा से वीडियो को देख लो, अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा से देखो। कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको कैसा लगा। तो ये आपका बैच आपको डेली वीडियो डाल दी जाएगी और आपका जो सिलेबस है वो जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। जल्द का मतलब अभी ऐसा नहीं है कि आपको पूरा साल लगवा देंगे, आपको जल्द ही खत्म करवा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीनों में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ही पढ़ते रहो, आवाज रहो, खुश रहो, हमारे वीडियो को लाइक करते रहो। थैंक यू सो मच।